हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है आपसे, और इस मुलाकात में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अब आप वो पढ़ो जो एग्ज़ाम में आने वाला है, वरना पढ़ने का टाइम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई इस चैनल पर अब आपको वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको एक एक करके सारी वीडियो मिलती चली जाएंगी। अभी हम ईवीएस की बात करेंगे, मैं एनसीईआरटी का वो फिल्टर कह लो, वो निचोड़ कह लो, काढ़ा कह लो, जो मर्जी वो कह लो, लेकिन वो करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में 100% आएगा। और आज उसकी होगी पहली क्लास, यानी कि पहला वीडियो, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। बिना किसी प्रमोशन या इधर उधर के हम डायरेक्ट पहुंचते हैं ईवीएस क्लास फर्स्ट के अंदर, और सबसे पहले हम खाएंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे भाई, लिंग हू फेन। क्या होता है ये? तो हांगकांग में होता है, चाइना आगे लिखा हुआ है। इसका सिंपल सीधा मतलब है लिंग हू फेन क्या है, तो ये सांप का जूस या सांप का सूप होता है। ठीक है, तो सांप का सूप है, कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में। और अगर हांगकांग एग्जाम में ना दिया गया हो तो चाइना आंसर ये आ जाएगा, ये आपका लिंग हू फेन सामने दिया गया। स्वादिष्ट लगे तो ट्राई करके देख लेना, ऑनलाइन किचन तो चल ही रहे हैं आज। खैर, अगला टैपियोका। तो टैपियोका के बारे में देखते हैं, केरल में जमीन के नीचे उगाई जाने वाली फसल है। कहाँ है? जमीन के नीचे उगाई जाने वाली एक प्रकार की फल या एक प्रकार की सब्जी है। खाया है कभी? नहीं खाया तो ये देख लो। अगर आप यूपी में देखते हैं ना, तो अक्सर आप शक्करकंदी टाइप का देखते हैं इसको, ठीक, शकरकंदी उबला हुआ खाते रहते हैं। तो जमीन के नीचे उगता है शकरकंदी टाइप का, जो केरल में टैपियोका कहा जाता है। घर के आंगन में लगाया जा सकता है, खेतों में लगाया जाता है, जबकि नारियल के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो नारियल के पेड़ के लिए भी हम साइड हो जाते हैं। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये है नारियल के पेड़। लो भैया, काफ़ी बड़े बड़े अच्छे अच्छे नारियल मिल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी सस्ते होंगे नारियल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर नारियल की पूरी खेती और बगान होते हैं। केरल, जिसको हम बोलते हैं मसालों का बगीचा। भारत में क्या बोला जाता है इसको? मसालों का बगीचा, याद रखना। अगला पॉइंट, लुई ब्रेल। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में करवाया था, सॉरी इनके बारे में करवाया था, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन दोबारा कर लेते हैं। लुई ब्रेल ने एक कला विकसित की, फ्रांस देश के रहने वाले लुई ब्रेल हमें मिल जाते हैं। लुई ब्रेल का जन्म 1809 में फ्रांस में हुआ था, 4 जनवरी, इंपॉर्टेंट है ये। बचपन में 12 साल के आसपास थे, पिताजी के औजार से खेलते हुए आंख में औजार लग गया, एक आंख में इन्फेक्शन हुआ, दूसरी आंख तक फैल गया, धीरे धीरे इनकी रोशनी चली गई। तो पढ़ने का अच्छा शौक था, तो इसलिए क्या करा इन्होंने, एक नया तरीका बनाया, अंधे लोगों के लिए पढ़ने का खास तरीका बनाया, जिसको कहा गया ब्रेल लिपि। और इन्हीं की ही याद में 4 जनवरी को, हर साल 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहली बार मनाया गया था 2019 में। क्या करते हैं ये? तो ये देखो, ये है मोटे कागज का प्रयोग करके नुकीले औजार से उसमें बिंदु बिंदु उभारे जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है ये। ठीक है, अरे ये तो डाक टिकट है भाई, 2009 में। ठीक है, 2009 में कब? 1809 से 2009, जन्म द्विशती, यानी कि इनके 200 वर्ष, यानी कि 200 साल, जब इनका जन्मदिवस था 200वां, उस समय भारत सरकार ने इनके ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया था। नुकीले औजार से बिंदु मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब चलो आगे देखेंगे। ये है 43 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ब्रेल कागज पर क्या लिखा है यह जानने के लिए ब्रेल कागज पर हाथ फेर कर पढ़ाई गया थे, मतलब छू कर, टच मी करके पढ़ाई की जाती है यहाँ पर। इस लिपि में मोटे कागज उभरे हुए बिंदु बनाए जाते हैं, इन बिंदुओं को उभरे के कारण को छू कर पढ़ाई की जाती है। अगला, 12 की जगह, यानी कि अगर शुरुआत में आपसे पूछ ले तो इन्होंने सोचा शुरुआत में 12 बिंदु की बात करी थी, लेकिन अब 6 बिंदुओं का प्रयोग करके पढ़ाई की, मतलब इन्होंने पहले 12 बिंदुओं से करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे उसमें सुधार करा, और सुधार करने के बाद क्या कर दिया, 6 बिंदुओं पर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लगभग लगभग 64 अक्षर और प्रतीकों का आविष्कार किया, जो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल वर्तमान समय में आप इनको कंप्यूटर में, एटीएम में, लिफ्ट में,
इन जगहों पर इनका इस्तेमाल देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, साथ ही ब्रेल भी लिखा जाता है, ठीक। तो इस लिपि का आधार क्या मिलता है, 6 बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, जैसा वादा किया था वही करवा रहा हूं, एग्जाम में आएगा इतनी गारंटी है। अगला देखो, बगल में दिखा दिया इन्होंने ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इसमें 1 2 3 4 भी मिलेगा, प्लस माइनस सिंबल भी मिलेंगे। अब कुछ घरों के बारे में, घरों की संरचना बांस, असम में बांस के खंभों पर टिके हुए 7 से 12 फुट, यानी कि लगभग लगभग आप मान लो 3 मीटर ऊंचाई के घर बनाए जाते हैं। भैया क्यों बनाए जाते हैं? ओहो, यहाँ पर तो बाढ़ लग रही है, क्योंकि क्या है, असम के क्षेत्र में वर्षा बहुत होती है, ठीक है, वर्षा बहुत होती है, तो काफी ज्यादा बारिश है, नीचे पानी पानी है, तो फिर क्या हो जाएगा, आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो ब्लू पानी पानी नहीं है, पानी में कुछ और भी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बांस के खंभों पर घर बनाए गए हैं ये, ठीक। ये ध्यान रखना, एग्जाम में आसाम मिले ठीक है, हो सकता है एग्जाम में आपको मेघालय दे दे, तब भी मत घबराना, मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश चेरापूंजी में होती है, ठीक। तो ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखो, मनाली, मनाली कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश कैसा है, एक पहाड़ी, पहाड़ी नहीं पर्वतीय कहा जाएगा, दोनों में कुछ तो अंतर है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या ज्योग्राफी, तब बताऊंगा आपको कि पहाड़ी की ऊंचाई लगभग 2500 मीटर और पर्वतों की ऊंचाई लगभग 5000 मीटर होती है, मतलब ऊंचाई का फर्क होता है, तब बताऊंगा मैं, अभी मैंने बिल्कुल नहीं बताया है, ठीक है। एचपी हिमाचल प्रदेश यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, आप चाहे हिमाचल प्रदेश इसमें ले लो, हिमाचल प्रदेश के अलावा अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पर क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो जम्मू कश्मीर भी ले सकते हो, उत्तराखंड भी ले सकते हो, सिक्किम वाला, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये पूरा इलाका हमें मिल जाएगा। कैसे घर, लकड़ी के, पत्थर के, चलो घूम के आते हैं यार, कहाँ इस गर्मी में हम रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर, देखो क्या प्यारा एक बंगला बने न्यारा। तो ये देखो, अब देख सकते हो ये घर कैसे हैं, स्लोपी, यानी कि अगर हम देखें तो छतें ढालू होती हैं, क्यों, ताकि बर्फ आसानी से क्या हो जाए, फिसल जाए, ठीक है, बर्फ आसानी से फिसल जाए, इसलिए ये ढालू छतों के हमें मिल जाते हैं। बगल में कितना प्यारा सीन है, देखो यार ये पर्वत भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, गांव की याद आ गई भाई, सही में बोलूं तो। चलो अब राजस्थान हो के आते हैं, ठीक, राजस्थान में क्या होता है, मोटी मिट्टी की दीवार और वाह वाह वाह, वहां के छात्र, वहां छतें, ठीक है, छतें कंटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, ये देख लो भाई, बड़ा ही प्यारा है, इसको अक्सर हम बोलते हैं झोपड़ी, ठीक है, मिट्टी की दीवार है, काफी मोटी मिट्टी की दीवार है, और ऊपर क्या है, ऊपर हम कह सकते हैं कि आम बोलचाल में छप्पर, जो कि घास का या कटीली झाड़ियों का बना होता है, किसका बना होता है, घास का या फिर कटीली झाड़ी का बना हुआ छप्पर, ठीक है। तो इनसे ये घर बनाए जाते हैं, ये राजस्थान के घर की खासियत है। खासियत क्या है, खासियत है कि इसमें एयर कंडीशनर लगा हुआ है, क्या है ये, गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते हैं, ठीक है, गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाते हैं, राजस्थान तो है ही गर्म इलाका, ठीक, क्लियर हो रहा होगा, मुझे उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर, चाय के समान पेय पदार्थ, वाह 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 वाह, चाय के समान पेय पदार्थ कहवा, चाय के समान पेय पदार्थ कहवा पाया जाता है, इसमें इलायची और बादाम भी डाले जाते हैं। ओए होए मजा ही आ गया, इलायची है, बादाम है, काजू है, किशमिश है, पिस्ता है, और केसर जम्मू कश्मीर में फेमस होता है भैया,
कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी प्रसिद्ध किस लिए है? केसर के लिए, तो केसर भी डाल दो, मजा आ जाएगा सर जी। ये लो जी, क्या खतरनाक चम्मच, उतना ही प्यारा कप और उतनी ही प्यारी प्याली भी है यहाँ पर, और बगल में बादाम के दाने भी हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल शहद की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये गले के लिए और सर्दियों में गर्मियों का एहसास कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जम्मू कश्मीर में कहवा पिया जाता है, चाय के ही तरह एक पेय पदार्थ हमें मिल जाता है। ये लो, ड्रिंकिंग सब्सटेंस सिमिलर टू द टी। ठीक, अगला पॉइंट, वल्लम। अब ये वल्लम वल्लम क्या है, आप लोग बताओ, मैं जरा आप लोगों के लिए जो पेय पदार्थ है ना इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बता दो, और चलो इसी बहाने एक बार मैं आपको क्या बताता हूँ, इसी बहाने मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को क्या करते हुए चल लो, लाइक करते हुए चल लो। बिल्कुल, जिन्हें पता है वो जरूर से सेशन को लाइक कर लेंगे, सेशन को शेयर कर लेंगे। देखो रिकॉर्डेड सेशन है ये, आपके ऊपर पूरे तरीके से आप पर निर्भर करता है कि आप इस सेशन को कब तक लाइव करवाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी सेशन को क्या करवाते हैं, मुझे लाइव लेकर के आ जाते हैं। और जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ, यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको मैं कराऊंगा जो आपके पेपर में पूछी ही जाएंगी और पूछी ही जाती हैं, टाइम पास नहीं है। ठीक, चलो अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे। वल्लम, तो भैया देख लो ये क्या है, ये है वल्लम, एक प्रकार की छोटी लकड़ी की नाव जिसका प्रयोग क्या करते हैं, ये देख लो, ये कुछ बालिकाएं हैं, कुछ छात्र हैं और एक माँ साहब इनके साथ हैं, तो अक्सर सामान्य तौर पर इनका प्रयोग क्या किया जाता है, बच्चों को स्कूल भेजने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक छोटी नाव हमें मिल जाती है जो अंकल जी चला रहे हैं। अगला, बच्चे कितने, करीबन 5 से 7 बच्चे हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1, 7 लोग, 8 लोग हैं ये। हाथी आ गया, अब हाथी राजा सूंड हिला के कहाँ चले, तो भैया ये है, कौन है ये, देख लो, हाथियों के झुंड को हर्ड कहते हैं, 10 से 12 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, आप देख सकते हो, हथनी और उनके बच्चे, हथनी और उनके बच्चे, हथनी उनके बच्चे, हथनी उनके बच्चे, हथनी और उसके बच्चे, अक्सर ज़्यादातर हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। बच्चे भी कितने होते हैं, लगभग लगभग कितने हो जाते हैं ये, 12 से 15 बच्चे पाए जाते हैं, और सबसे बुजुर्ग जो होता है ना, सबसे बुजुर्ग हथनी प्रमुख होती है, लीडर होती है। लीडर क्यों होती है, कारण भी जान लो, क्योंकि हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, तो इसलिए जो सबसे बुजुर्ग होता है वो सबसे ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह जाने के रास्ते जानता है, वो ज्यादा क्या जानता है, ज्यादा स्थान और रास्तों को पहचानता है, कि अगर कहीं जाना पड़ जाए, बीच में कोई जाम लग गया है, तो क्या करेंगे ये वहां से घूम के निकल जाएंगे, किसी और रास्ते से चले जाएंगे, और उनको पता है इस जगह पर शेर है या मगरमच्छ का खतरा भी है, तो बच्चों को दूर रखना चाहिए, वो वहां नहीं रुकते, तो इसलिए सबसे बुजुर्ग क्या होती है, हथनी होती है, जो वो इनकी प्रमुख कही जाती है। ठीक, अगला पॉइंट ये है, हाथियों की औसत उम्र 48 होती है, यहाँ पर हाथी एशियाई हाथी की बात चल रही है, एशियाई हाथी की बात चल रही है, अफ्रीकन हाथी 70 70 साल तक जी लेता है, अगर हम बात करते हैं अफ्रीकन हाथी तो कितने, वो 70 वर्ष तक जी लेता है। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बड़ा मजेदार लगता है, तो भैया ये देख लो, कीचड़ में खेलते हुए हाथी और उनका परिवार, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्यों, क्योंकि फिर से कारण जान लो भाई, बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो अरे कोई कारण होगा, क्या होगा कारण, क्योंकि हाथियों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है।
ठीक है। कारण ध्यान रख लेना, हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि हाथियों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए इनके बड़े बड़े कान होते हैं जिससे वो पंख लगाते रहते हैं। ठीक, कान बहुत बड़े बड़े हैं और हवा करते रहते हैं पंखों की तरह अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए। जैसे कि ये हमारा प्यारा सा जंबो है, ये तो उड़ भी लेता है इनकी मदद से। उड़ने वाला दुनिया का इकलौता हाथी है ये जंबो। देखी होगी मूवी तो बड़े मजेदार रही लगी होगी आपको भी, मुझे भी लगी थी। खैर अब आगे देखेंगे। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। भाई खतरनाक काम करता है ये, 100 किलो खा लेता है। कितना खाओगे अगर इनसे पूछेंगे तो बोलेंगे हम तो खाते ही रहेंगे, हम केवल खाएंगे। बोला आराम भी कर लो। बोला क्या आराम करने में रखा है, सब कुछ तो खाने में है। ये देखो झाड़ियां भी खा लेता है ये, ना केवल घास ना केवल पत्तों को, ठीक है क्या मैंने बोला, घास पत्ते टहनियां यहाँ तक कि कटीली झाड़ियां ये भी चट कर जाता, मतलब खाने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक, इसीलिए 3 महीने का बच्चा 200 किलो का उठा लो गोद में, 3 महीने के बच्चे को गोद ले लो भैया, गोद टूट जाएगी। 3 महीने का बच्चा 200 किलो तक का हो जाता है और इतना खाएगा तो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है, बहुत ही कम सोता है ये। बस बड़े ही प्यारे होते हैं हाथी क्योंकि एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं, इंसानों को इनसे सीख लेनी चाहिए। और एक घटना और घटित हुई थी, पता नहीं शायद मूवी की थी या कहाँ की थी, कुछ हाथी कहीं पर कोई मर गया था तो कुछ हाथी लगातार पिछले हफ्ते भर से वहाँ पर आकर के क्या कर रहे थे, उसके लिए शोक जता रहे थे। ठीक है, तो इसलिए एक दूसरे की बड़ी मदद करते हैं ये। अफ्रीकन हाथी की औसत ऊंचाई 3.2 मीटर, एशियाई हाथी लगभग लगभग 3 मीटर का, 2.8 मीटर का। हाथी का गर्भकाल 18 से 12 महीने का होता है। तो ये देख लो टाइप ऑफ एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट होता है, एशियन एलिफेंट होता है, ये प्रमुख टाइप मिलते हैं। अफ्रीकन एलिफेंट में भी दो मिल जाते हैं, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। एशियन एलिफेंट में इंडियन एलिफेंट मिलता है, बोर्नियो पिगमी, पिगमी एलिफेंट छोटा होता है, पिगमी एलिफेंट होता है, श्रीलंकन एलिफेंट होता है और सुमात्रा इंडोनेशिया का एलिफेंट। खैर इतना जाना नहीं है फिलहाल, आप सिंपल देख सकते हैं कि जो ये अफ्रीकन हाथी है ये हमारे स्थल का सबसे बड़ा जीव है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना, हमारी धरती का सबसे बड़ा जीव अफ्रीकन एलिफेंट है। अगर अफ्रीकन ना मिले तो एलिफेंट, एलिफेंट से काम चला लेंगे हम। ठीक है, आगे देखें। आगे तो अब अगली क्लास में देखेंगे। अच्छी लगी तो जरूर से मुझे लाइक शेयर करके बताना, चैनल्स पर मैं लाइव आ जाऊँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कह रहा हूँ लाइक करो, कमेंट करो, सेशन को शेयर भी कर लो और हाँ सब्सक्राइब भी कर लेना, लाल वाले बटन को धड़क से दबा भी देना हाथी के स्पीड से। ठीक है, चलिए फिर, बाकी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर एंड बाय बाय।